हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेड क्लास में। पंचायती राज विभाग बिहार की तरफ से फ्रेंड्स फिर यहाँ पर भर्ती का बहुत ही अच्छा मौका है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप जो जान रहे हैं कि बिहार में सभी जिलों से जो है धीरे धीरे निकल रहा है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट, और बहुत सारे जिलों में इसका जो है बहाली प्रक्रिया चल भी रही है और बहुत किसी का जो है काउंसलिंग हो भी चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जो कि फ्रेंड्स आया था, और यहाँ पर फिर से एक नया आ चुका है एक और ज़िला का। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा ज़िला है हम बात करेंगे इस वीडियो में। ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हो चुका है उसमें जो है 10वीं पास लोग भर सकते हैं, और फ्रेंड्स मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कैसे भरना है, कब तक लास्ट डेट है और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जोर दबाइए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बांका डिस्ट्रिक्ट में आया है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं और दिखाते हैं आपको फुल नोटिफिकेशंस। यहाँ पर फ्रेंड्स 22/2/19 यानी आज को ही आया अपडेट, और ये देख रहे हैं आप, क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई। आप यहां पर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है लास्ट डेट जो है 15 मार्च तक आप कर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है डाउनलोड लिस्ट, तो मेरा डाउनलोड किया हुआ है। चलिए अब दिखाते हैं आपको फुल डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं समाहरणालय बांका जिला स्थापना शाखा कार्यपालक सहायक के पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए आवश्यक सूचना। यहाँ फ्रेंड्स, ये जो आपका बहाली होगा तो पहले आप लोगों का जो है पैनल का निर्माण किया जाएगा, उसके अंतर्गत जो है आपको पूरे जिला में कहीं भी भेजा जा सकता है किसी भी ऑफिस में। तो देख लेते हैं यहाँ पर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने और जिले के अन्य कार्यालयों में आवश्यकता के आधार पर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ लिख दिया गया है कि जिले के अन्य कार्य यानी किसी भी कार्यालय में आपको जो है आवश्यकता के आधार पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कार्यपालक सहायक के पद पर संविदा पर निर्णय पैनल निर्माण किया जाना है। इसके लिए भारतीय नागरिकों से बांका जिला हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपको होगा तो उस जिले में आपको कहीं भी किसी भी ऑफिस में भेजा जा सकता है। और इसका जो है यहाँ दिया गया है अर्हता आयु सीमा क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो जनरल के लिए 18 और 37 है, एससी के लिए 18 और 42 है, एसटी के लिए 18 42 है, एबीसी के लिए 18 40 है, बीसी के लिए 18 40 है, और फीमेल जनरल के लिए 18 40 है आपको यहाँ पर एज। और जो है इसमें 1/8/18 के आधार पर जो है उम्र की गणना की जाएगी। जो विकलांग है उसको जो है छूट मिलेगा 10 साल का, और जो है इसमें 40% से अधिक होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें योग्यता क्या रखा गया है। जो न्यूनतम योग्यता है फ्रेंड्स वो है आवेदक की जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से कम मैट्रिक होना चाहिए, और साथ में जो है उसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि MS Word, MS Excel और MS PowerPoint आदि की बेसिक जानकारी होना भी अनिवार्य है, तभी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके नेक्स्ट में क्या है कि आपके पास जो है ये हार्डवेयर होना जरूरी है, जिसमें कि आप जो कार्यालय में काम करेंगे वहाँ पर आपको ये खुद लेके जाना है। तो क्या क्या है उसमें है हार्डवेयर में, चलिए हम देख लेते हैं। पहला है फ्रेंड्स CPU, जो कि होना चाहिए आपको इंटेल कोर i3 का चिपेस्ट इंटेल। मेमोरी होना चाहिए 4 GB का, हार्ड डिस्क 500 GB का, मोनिटर 14 इंच LED होना चाहिए या उससे ऊपर का, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्रेंड्स वो Windows 7 होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। एडिशनल सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10, एडोब PDF रीडर, और इंटरनेट सिक्योरिटी जो है एंटीवायरस ऑफ एनी रेनॉल्ट कंपनी का होना चाहिए। ब्राउजर जो होना चाहिए क्रोम होना चाहिए, गूगल क्रोम। और जो एडिशनल हार्डवेयर है वो ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल कीबोर्ड, और जो प्रिंटर है वो ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, लेजर प्रिंटर। UPS होना चाहिए एक, और होना चाहिए एक डेटा कार्ड किसके लिए आपको इंटरनेट के लिए, जो कि 1 MBPS होना चाहिए मिनिमम, कम से कम उससे ऊपर हो तो बहुत अच्छा बात है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मानदेय की, क्योंकि ये मेन चीज़ है, क्योंकि आदमी कोई वैकेंसी भरता है तो पहले मानदेय का ही उसको
जानकारी होना चाहिए कितना हमें मानदेय मिलेगा। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, जो नियोजित होंगे इसमें उसको जो है 11,345 रुपये यहाँ पर एक मुश्त राशि दी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, और जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए जो है अलग से कोई राशि आपको नहीं मिलेगा, वो आपको अपना उसी में से मैनेज करना है। हाँ, और जो आगे देखते हैं, इसमें जो लगने वाले कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जैसे कि पेपर हो गया, कॉटेज हो गया जो कि आपका प्रिंटर में लगता है, एक घबराता है, उसको बोलते हैं कॉटेज। तो पेपर और कॉटेज जो है फ्रेंड्स, ये आपको जो है ऑफिस की तरफ से दिया जाएगा। या फ्रेंड्स, और जो है इंटरनेट का जो बिल है कनेक्शन का, वो आपको खुद देना पड़ेगा। ठीक है, हार्डवेयर और इंटरनेट का बिल आपको खुद देना पड़ेगा। बाकी जो प्रिंटर में लगेगा इंक कॉटरेज या फिर आपको जो पेपर है, वो आपको खुद ऑफिस देगी, आपका विभाग देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नियुक्ति का अवधि। नियोजन जो है फ्रेंड्स, वो अस्थायी रूप से आपका 1 वर्ष के लिए होगा और आवश्यकता के अनुसार सेवा संतुष्टि के आधार पर इसे बढ़ाई जाएगी। आपको जो बहाली होगा वो शुरू में 1 साल के लिए होगा, और अगर आपका सेवा अच्छा रहता है, आपको जो अधिकारी अगर लिख देंगे, तो वो आपको जो है नेक्स्ट ईयर में बढ़ जाएगा। अब देखते हैं जो पैनल जो बनेगा फ्रेंड्स आप लोगों का, तो वो जो है वेता जो होगा उसका वेता होगा 3 साल का। जिस दिन आपको होगा बनेगा आपको ज्वाइनिंग के लिए, तो उसके दिन से लेकर 3 साल तक आपको वेता रहेगा। कहीं भी आप काम करने के लिए आपको बुलाया जा सकता है। अगर 3 साल के अंदर में अगर कहीं आपको नहीं बुलाता है, तो आपको जो है वो ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा, फिर आपको जो है कहीं पर चयन नहीं होगा। 3 साल तक आपका रहेगा जिस दिन से प्रकाशन होगा वेता का। अब देखते हैं कि चयन किस तरह से होगा, चयन का प्रोसेस क्या है। जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर, यानी जो आपका आवेदन आप देंगे, जितने लोग आवेदन देंगे उसके आधार पर जिलाधिकारी की जो अध्यक्षता में गठित चयन कमेटी द्वारा पैनल तैयार किया जाएगा, जिसके अनुसार जो है आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप नियोजन की जाएगी। जो भी जो कैटेगरी में है, SC ST OBC, उसके अनुसार जो है एक रोस्टर तैयार किया जाएगा, जो कि पैनल बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि आवेदन भरने की जो प्रक्रिया क्या है। आवेदन जो है फ्रेंड्स, आप लोग जो है वेबसाइट www.banka.bih.nic.in पर उपलब्ध है, इसे आप ऑनलाइन भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन का लिंक है आपको मेरे वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा PDF है, इसको भी आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पा सकते हैं, पूरा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अब ऑनलाइन कीजिएगा, तो वहाँ पर आप फोटो अपलोड करना और सिग्नेचर अपलोड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जो है आवेदन पत्र में वर्णित सभी कागजात दस्तावेजों की जो मूल प्रति है, एवं एक छाया प्रति काउंसलिंग के समय जब बुलाया जाएगा, तो उसमें आपको प्रस्तुत करना होगा। या फ्रेंड्स, जब इसका लिस्ट आएगा और उसमें अगर आपका नाम आता है, तो जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो जो उसका आपका डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, वो प्लस उसका एक फोटोकॉपी का पूरा सेट लेके जाना है आपको काउंसलिंग में। और जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स, मैंने बताया शुरू में, 15 मार्च 2019 के शाम 5 बजे तक है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रहा आपका। और ये जो है बिना कोई कारण बताए भी ये जो है चयन प्रक्रिया को रद्द कर सकता है वहाँ का अधिकारी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, जो कि निकला है बांका जिला से। बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स ये मौका है, तो आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत सारे ज़िले में जो है ये हो चुका है बहाली, और जो है कुछ कुछ बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये बहाली आ रहा है, मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो हमारा अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिल सके, और आप लोगों को जो है फॉर्म भरने का जो है आपको कोई भी फॉर्म जो फॉर्म है छूटे नहीं, आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।